What's up everyone, welcome back to the channel. Introduction for microeconomics में हमारे पास बिल्कुल एक last topic बचा है, उसको हम लोग बोलते हैं production possibility curve. Although last year CBSE ने ये delete कर दिया था class 11 के syllabus में से because syllabus reduction हुआ था, but इस साल अभी तक ऐसा कुछ भी CBSE ने announce नहीं करा है, तो आपको तो पढ़ना ही है. तो आ जाइए जल्दी से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये syllabus में आ रहा होगा तो फिर exam में भी 100% आ रहा होगा. This is its importance. तो ध्यान से समझो, बहुत important topic है, अच्छे से करो, जाओ copy ले आओ भाग के. Let's begin. तो शुरू करते हैं गाइस हम लोग टॉपिक के नाम के साथ. देखो यार, टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. वाह, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसी को ही हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल देते हैं, पीपीएफ. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ये पांच नाम इसी के हैं. तो अगर लिखने हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ये पांच नाम से आ सकता है एग्जामिनेशन में. अब देखो नाम में ही क्या है, प्रोडक्शन यानी कि इनपुट से आउटपुट जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसको प्रोडक्शन बोलते हैं. पॉसिबिलिटी यानी चांसेस, पॉसिबिलिटी मीन्स चांसेस या फिर कॉम्बिनेशंस. और कर्व यानी कि ये कर्व देख के समझ में आ गया कि इसका ग्राफ बनेगा, एक ऐसा ग्राफ जो हमें प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाएगा, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्या मतलब हुआ, देखो तुम्हें समझ में आया कि हमें ग्राफ बनाना है. तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, लाइक फॉर एग्जांपल ग्राफ कैसा होता है, टेंथ में बना के आए हो ना, ऐसा ग्राफ होता है, एक एक्स एक्सिस होती है ओरिजिन, वाई एक्सिस. अब यहाँ पे आपको कोई गुड लेना पड़ेगा, लेट सपोज गुड ए, यहाँ पे आपको कोई गुड लेना पड़ेगा गुड बी. इसका मतलब मैं इन दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तभी तो कर्व पे तो भाई दो ही एक्सिस है ना, तो मैं कोई भी दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और मेरे पास पैसा तो लिमिटेड है, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, लेबर तो लिमिटेड है, लैंड तो लिमिटेड है. तो मेरे पास जमीन का टुकड़ा लिमिटेड है, मेरे पास ये जमीन है और मुझे इस जमीन पे दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो भाई या तो 50-50 कर लो, आधा ए आधा बी, या फिर कुछ ऐसा कर लो 20-80 कर लो, कि ए इधर ले लो बी इधर ले लो, इस तरीके से कर लो. तो अलग 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 बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, सारे पे ए कर लो, बी का प्रोडक्शन ही ना करो, बी जीरो कर दो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, या सारा बी कर लो ए जीरो कर दो. तो ये जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, इन कॉम्बिनेशंस को अगर मैं कर्व पे बनाऊंगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. यानी एक ऐसा कर्व है जो आपको आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली ये बताता है कि आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है ना. आ जाओ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये तो हम पहले ही समझ गए थे कि सर ग्राफ बनेगा नाम देख के, ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कितने गुड्स, टू गुड्स, कितने गुड्स का प्रोडक्शन होगा, दो गुड्स का, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद योर गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. कितना आसान डेफिनेशन है, ठीक है ना. अब इसके कुछ एजम्पशंस हैं, देखो इकोनॉमिक्स में ना ये साइंस नहीं है कि सब कुछ एज इट इज चलती रहेगी, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करके चलनी पड़ती हैं. तो यहाँ क्या क्या एज्यूम करना है, सबसे पहली बात, हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, बिल्कुल ठीक बात है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं हमारे पास, फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं. दूसरा, विद गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, ये हमारा एजम्पशन है कि हम सिर्फ कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो. ये क्यों लिया, क्योंकि सर ग्राफ पे एक्सेस दो है, मैं दो ही बना सकता हूँ, है ना. अब प्रोडक्शन तो जितनी मर्जी कर लो भाई, बहुत प्रोडक्शन होती है, कोई दो गुड्स थोड़ी ना बनते हैं, बट फिर भी एजम्पशन है. रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो आप, वेस्टेज नहीं हो रही. टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट, टेक्नोलॉजी को भी आप सेम मान के चल रहे हो, यानी आप चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे हो जाएंगे, हर सेकेंड टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो कर्व हम बना ही नहीं पाएंगे कभी भी. तो टेक्नोलॉजी को क्या मान के चलना है, कॉन्स्टेंट. अब सर कर्व बनाने से पहले तो कोई ना कोई टेबल बनानी पड़ती है हमेशा, तो एक टेबल बना लेते हैं. लेट सपोज हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, दो गुड्स लेते हैं, कोई भी दो गुड्स ले लो, ब्रेड बटर ले लो, ब्रेड एंड बटर. लेट सपोज हमने ये ले लिया ब्रेड एंड बटर, कॉम्बिनेशन नंबर ए ले लेता हूँ मैं,
कॉम्बिनेशन नंबर वन में मैं मान के चलता हूँ कि आप सारी की सारी ब्रेड बना रहे हो, यानी बटर का आप एक भी यूनिट नहीं बना रहे, ठीक है, सारी की सारी क्या बना रहे हो, ब्रेड। तो ब्रेड मैंने ले ली 15, लेट सपोज कि अगर मैं बटर बनाता ही नहीं तो जितने मेरे पास रिसोर्सेज हैं, जितना मेरे पास पैसा है, जितनी टेक्नोलॉजी है, उससे मैं 15 यूनिट्स ऑफ ब्रेड बना पाऊंगा। अब मैंने बोला कि यार नहीं, ब्रेड को कम कर दो। मैंने जैसे ही ब्रेड कम करी तो मेरा एक बटर का यूनिट बन गया। अब दोनों के प्राइसेस तो अलग अलग है ना, तो मैंने ब्रेड कम करी तो बटर बढ़ गया, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो यार अगर मुझे एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का तो कम करना पड़ेगा। ओके, अब क्या हुआ मेरे पास, अब मैंने इसको और कम कर दिया, लेट सपोज मैंने इसको 12 कर दिया, तो यहाँ पे बटर हो गया हमारा 2, ठीक है जी। उसके बाद हमने करा इसको 9, ये हो गया 3। उसके बाद हमने करा फिफ्थ कॉम्बिनेशन, इसको 5, इसको 4। उसके बाद फिर लास्ट कॉम्बिनेशन बना ये 0 और ये 5, ठीक है, कि मतलब अगर 5 यूनिट ऑफ बटर बनाता हूँ तो ब्रेड का प्रोडक्शन बिल्कुल 0 हो जाता है। तो ये हमारे अलग 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 कॉम्बिनेशंस बन गए, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशंस बने हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही होगी कि ये हमारा यहाँ कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, और ये वैल्यू वाइज बढ़ रहा है। देखो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं MRT, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि कितना गेन करने के लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा, एज सिंपल एज दैट। और अगर मैं बात करूँ इसका कोई और नाम, तो हम उसको बोल देते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बस डिफरेंस इतना सा होता है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्ट रेशियो होता है कि इतना गेन तो इतना सेक्रीफाइस, और MOC एक नंबर में होता है जिसका फॉर्मूला है सेक्रीफाइस अपॉन गेन, चेंज इन सेक्रीफाइस डिवाइड बाय चेंज इन गेन, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहले पे तो पता ही नहीं चल रहा कि पहले कितना, क्योंकि ये तो फर्स्ट यूनिट है, तो यहाँ से चालू होगा सेक्रीफाइस कितना हुआ, 15 से 14 1 का सेक्रीफाइस, और गेन कितना है 1 का, तो वैल्यू आया 1। अब 2 सेक्रीफाइस और गेन है 1, तो वैल्यू आएगा 2। फिर 3 का सेक्रीफाइस, 12 से 9 आया तो 3 का सेक्रीफाइस हो गया ना, और गेन है 1, 2 से 3 1, तो वैल्यू आया 3। फिर 4 का सेक्रीफाइस, गेन है 1, तो वैल्यू आया 4। फिर 5 का सेक्रीफाइस, गेन है 1, तो वैल्यू आया 5। तो अगर मैं इसको एक्सट्रीम इसी तरीके से वैल्यूज में लिख रहा हूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगा, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मुझे इसको रेशियो में लिख देना हो, जैसे मैंने लिखा कि भाई अगर एक गेन हुआ तो मैंने यहाँ पे एक ही सेक्रीफाइस करा, फिर यहाँ पे एक गेन हुआ 2 सेक्रीफाइस करे, फिर एक गेन हुआ 3 सेक्रीफाइस करे, फिर एक गेन हुआ 4 सेक्रीफाइस करे, फिर एक गेन हुआ 5 सेक्रीफाइस करे, ऐसा रेशियो बना दिया, तो इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। तो यार मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या MOC में हमें बस यही दिखाना होता है कि किस स्पीड के साथ सेक्रीफाइस और गेन आपस में चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब सर इसका कर्व बना के देखें, चलो आओ लेट सपोज अब हम कर्व बनाते हैं, हम एक कर्व लेते हैं, बढ़िया सा कर्व बनाते हैं। ये हमारा ओरिजिन, एक्स एक्सिस, y एक्सेस, इस तरीके से हम लोगों ने ये ले लिया। चलो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तक गया था ना, यस, बटर 5 तक, ब्रेड गया 15 तक, तो 15 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है। अब देखो ये बटर है हमारे पास और ये ब्रेड है। अब देखो ब्रेड इधर बढ़ता है ऊपर की तरफ और इधर कम होता है, और बटर इधर बढ़ेगा 0, 1, 2, 3, 4 इधर बढ़ रहा है और इधर आएगा तो कम होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, सबसे पहले बटर बनाया ही नहीं तो ब्रेड के 15 यूनिट्स, यानी बटर अगर 0 है तो ब्रेड के 15 यूनिट्स लगभग, ये हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है ए। उसके बाद जब बटर बढ़ाया, बटर इंक्रीज करा ना, देखो भाई एक यूनिट तब बढ़ा जब ये एक कम हो गया, तो यानी बटर बढ़ेगा तब, यानी बटर यहाँ से यहाँ इधर चलेगा ना, इधर तब चलेगा अगर ये कम हो जाए। अब ये हो गया 14, यानी ये यहाँ पे आया लगभग,
तो यानी इसमें ये डेल्टा सेक्रीफाइस है, ये इतना सेक्रीफाइस हुआ, इतना सेक्रीफाइस होने से लगभग ये वन का गेन, तो ये यहां आ गया, देखो यहां पॉइंट बना। तो मेरे पास, हमारे पास अगर आप वैल्यू देखो ना एमओसी की, तो देखो ये गेन हो रहा है इतना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये गेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इतना सेक्रीफाइस हुआ था, ये इतना कम हुआ, इस वजह से ये बढ़ा। करेक्ट है या नहीं है? तो आपको ये एमओसी ध्यान से देखना है, क्योंकि ये पीपीसी की शेप को डिफाइन करेगा। इसकी जो शेप बन के आएगी ना, उसके पीछे कारण यही होगा। देखो अब इतना गेन हुआ क्योंकि ये सेक्रीफाइस हुआ था। अब आगे चलते हैं, चलो थर्ड पॉइंट। फिर क्या हुआ? फिर ये वन से टू, फिर गेन हुआ। गेन क्यों हुआ? क्योंकि ये दो का सेक्रीफाइस भी हुआ। चलो जी, अब यानी कि वन से टू हो गया सर, इसका मतलब ये यहां से और इधर आ गया। देखो टू पे 14, टू पे क्या हुआ है? अगर ये 2 हुआ तो ये 12, 2 पे 12, 3 पे 9, ठीक है। चलो प्लॉट कर लेते हैं, 2 पे 12 लगभग यहाँ, 3 पे 9 लगभग यहाँ, उसके बाद 4 पे 5 लगभग यहाँ, और 5 पे 0 लगभग यहाँ, ठीक है। तो अगर आप इसको प्लॉट करो तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। इसको आप पॉइंट टू पॉइंट मिलाना प्रॉपर, मतलब मेरे पास तो बोर्ड पे बना रहा हूं मैं, तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट मिला के चलना। तो आपका कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। अब देखो यहां पे क्या हो क्या रहा है, इसका जो शेप आया, इसका शेप कैसा आया? इसका शेप आया है कॉनकेव। ये कॉनकेव क्यों आया है? देखो ये एमओसी की वजह से आया है। अब देखो इसने यहां से यहां तक सेक्रीफाइस करा, कम हुआ, तो ये इतना गेन हुआ, फिर से ये गेन है और ये सेक्रीफाइस है। फिर ये यहां से यहां तक सेक्रीफाइस हुआ इधर, इस वजह से ये इधर गेन हो पाया। भाई इधर बटर तभी तो बढ़ रहा है जब ये कम हो रहा है ना। अब तुम्हारे से कोई पूछने नहीं वाला कि इसको डिफाइन करो, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो ये फिर गेन और ये इतना सेक्रीफाइस, ये फिर इतना सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस है, तो इस वजह से ये गेन है। समझ रहे हो? तो ये बेसिकली ये सेक्रीफाइस और गेन का जो रेशो है, इस रेशो की वजह से हमें ये पॉइंट्स मिले, और इन्हीं पॉइंट्स के वजह से फिर हम लोग क्या बोल के चलते हैं कि हमारे पास ये जो कर्व का शेप है ये इस तरीके का बना है। समझे ना? ये कर्व का शेप इसीलिए इस तरीके का बना है। क्यों? बिकॉज ऑफ एमओसी। सही है, एमओसी इंक्रीजिंग था, तो ये हमारा पीपीसी बन गया। अब देखो पीपीसी पे क्या है, ये जितने भी कॉम्बिनेशन है, सी डी ई एफ, ये जितने भी कॉम्बिनेशन हैं, इन सब पे रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। अजम्पशन था या नहीं था? तो ए से लेके एफ तक क्या बोलूंगा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मैं बोलूं कोई पॉइंट यहां है सर, यहां है कोई पॉइंट, अब देखो रिसोर्सेज यहां यूटिलाइज हो रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये फुलर यूटिलाइजेशन से पहले आ गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, लेट सपोज पी, पी को मैं बोल देता हूं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन, या तो अंडर यूटिलाइजेशन या अंडर स्पेंडिंग, कुछ ऐसा बोल सकते हो। और अगर मैं बाहर चला जाऊं जी, तो ये मेरे लिए है अनअटेनेबल या अनअचीवेबल, अनअचीवेबल बोल दो, अनअटेनेबल बोल दो, एक ही बात होती है कि मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तो जितने भी पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर होते हैं वो फुल यूटिलाइजेशन शो करते हैं, अगर उसके अंदर कोई पॉइंट है तो वो अंडर यूटिलाइजेशन, यानी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया है रिसोर्सेज को, बाहर है तो वो अनअचीवेबल हो जाता है। करेक्ट है जी? हाँ सर बिल्कुल। क्या हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं? लेट्स राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पीपीसी क्या प्रॉपर्टी है? नंबर वन, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी आपको हमेशा नीचे आता हुआ दिखाई देगा, चेक करो ए से एफ नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा हमेशा। पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ब्रेड एंड बटर।
इसका मतलब ये है कि कभी भी देखो ऊपर क्या हो रहा था, अगर मैं टेबल पे आपको लेके चलूं तो इस टेबल पे अगर एक चीज बढ़ रही थी तो दूसरी कम हो रही थी, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिला। अब पूरी इकोनॉमिक्स में ये बात याद रखना कि किसी भी कर्व में अगर एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है और ऐसा ही टेबल बना हुआ है तो कर्व हमेशा नीचे की तरफ आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, हमेशा अगले चैप्टर में भी ये चीज पढ़ाऊंगा। अगर कहीं पे भी आपको ये एक बढ़ता दूसरा कम होता दिख रहा है, इसको हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप के केस में कर्व हमेशा नीचे की तरफ आता है। अगर ये दोनों ही बढ़ रहे होते तो उसको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं। अगर दोनों बढ़ रहे होते तो क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशनशिप। कर्व वहां हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो यहां पे कर्व नीचे क्यों आया? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ब्रेड एंड बटर। नंबर दो, इसका शेप कैसा है? इट इज कॉनकेव शेप्ड। इसका कॉनकेव शेप है, क्यों है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमओसी या फिर एमआरटी। एमओसी या एमआरसी, एमआरटी हमारा इंक्रीजिंग है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसी वजह से ये कॉनकेव आया। क्या ये कभी भी कॉन्वेक्स हो सकता है? देखो हमारे पास दिस इज व्हाट वी कॉल कॉनकेव, ये हमारा कॉनकेव है। कॉनकेव होने के पीछे कारण ये। क्या सर ये कभी कॉन्वेक्स भी आ सकता है, मतलब इसका शेप ऐसा भी हो सकता है? इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। बिल्कुल आ सकता है। ये कॉन्वेक्स कब आएगा? अगर डिक्रीजिंग हो जाए एमओसी, अगर एमओसी कैसा हो जाए? डिक्रीजिंग हो जाए। तो अगर आपसे पूछ ले कि क्या ये कभी कॉन्वेक्स हो सकता है तो बताना हाँ, अगर डिक्रीजिंग हो जाए एमओसी। क्या ये कभी स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है? क्या ये कभी इस तरीके से भी बन सकता है? यस, इफ एमओसी इज कॉन्स्टेंट, मतलब कि वो 1 1 1 1 1 या 2 2 2 2 2 ऐसा चलता रहे तो यूजुअली कॉनकेव रहता है इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से। कॉन्वेक्स भी हो सकता है अगर डिक्रीजिंग एमओसी हो जाए, और अगर कॉन्स्टेंट हो जाए तो फिर वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज तो ये आ जाती हैं। इसके बाद एक थर्ड प्रॉपर्टी और लिख लो आप लोग। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? पीपीसी कैन शिफ्ट ईदर लेफ्टवर्ड और राइट वर्ड। पीपीसी लेफ्ट भी आ सकता है, पीपीसी राइट भी आ सकता है, मतलब ये पीपीसी इधर भी शिफ्ट हो सकता है लेफ्ट में और इधर भी शिफ्ट हो सकता है राइट में, कम ज्यादा। ठीक है, लेफ्ट में कब आएगा? व्हेन रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड। और राइट में कब जाएगा? व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट में कब? अगर रिसोर्स कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। और राइट में कब? अगर रिसोर्स बढ़ जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो तीन प्रॉपर्टीज मेनली मैंने आपको पढ़ाई। पहली बात, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से, फिर कॉनकेव शेप्ड होता है इंक्रीजिंग एमओसी की वजह से, फिर शिफ्ट कर सकता है लेफ्टवर्ड भी और राइटवर्ड भी। तो यही हमारे पास मेनली पीपीसी का बेसिक चीजें रहती हैं जो आपको पता होना चाहिए, और इसके अंदर एज सच कुछ ज़्यादा आपके पास नहीं होता है। तो होपफुली आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, पीपीसी आपको प्रॉपर मैनर में ये कर्व पूरा समझ में आओगे। अंडर यूटिलाइजेशन अंदर, बाहर अनअचीवेबल। राइट वर्ड कब जाएगा? जब रिसोर्सेज बढ़ जाएं। लेफ्ट वर्ड कम आएगा, रिसोर्सेज कम हो जाएं। ये टेबल आपको इस तरीके से बनानी है, और ये इसके अजम्पशंस और ये इसका डेफिनेशन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट पीपीसी। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा था इस चैप्टर में, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन में आने वाले वीडियोज़ में, या जो लास्ट ईयर वाली वीडियोज़ हैं वहाँ से भी आप देख सकते हो। लास्ट ईयर वाली वीडियोज़ में ऑलरेडी पूरा सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर्ड है, आप जब चाहो, जब देखना चाहो देख सकते हो। और बस अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।